हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट ऑफ क्लास 10 फिजिक्स सब्जेक्ट, चैप्टर नेम इज इलेक्ट्रिसिटी। इन दिस चैप्टर वी स्टडी अबाउट ऑफ ओम्स लॉ एंड हाउ कैन वी कनेक्ट द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बी कनेक्टेड इन टू टाइप्स, पैरेलल और सीरीज। इन अ प्रीवियस वीडियो लेक्चर वी एक्सप्लेन डिफरेंट न्यूमेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ ओम्स लॉ एंड द connections of resistance. Today we once again solving question on here given three resistors are connected as on figure. Three हमारे resistors दे रखे हैं जो figure में दिखाए हैं, connect किए हैं। जो the resistors 5 ohms, कोई हमारा जैसे 1 ohms का 5 ohms का resistor है। A current of 1 ampere is flowing. जो current है हमारी, current कितनी है? 1 ampere flowing हो रही है इस circuit में। What is the current through the other two resistors? जो बाकी के two resistors होंगे, उससे current क्या होगी? हमने आपको बताया था। जो भी हमारे parallel में जो resistors होते हैं, उसमें जो current होती है, current क्या हो जाता है? Division हो जाता है, बंटवारा हो जाता है। जो total current है, इन दोनों के total current के equal होगा। Second है, what is the potential difference across AB and across AC? पहले हमें AB की बीच का What is the total resistance? हमें total resistance find out करना है। We have to find out three things are. So first of all we solve the third part. Total difference की बात करते हैं। ये दोनों की resistance दे रखे हैं, हमारे किसी दे रखे हैं resistance? ये दोनों parallel दे रखे हैं। Parallel वाला formula आ गया I2 की वैल्यू आ जाएगी हमारी
I की वैल्यू बना दी, I इक्वल 0.6, तो I2 की वैल्यू लगा दी, I2 इक्वल टू 1 - 0.6, या we can write here I2 इक्वल टू 0.4 एम्पीयर. This is the current flowing through the R2 and R3 resistors. In our next question, given here our circuit diagram, we have to find out total resistance and current flowing in the circuit. हमें ये यहाँ पर two things find out करनी है कि total resistance क्या होगा और जो current होगी वही circuit में. सर्किट में करंट कितनी फ्लो होगी, तो पहले हम क्या करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस निकाल देंगे, उसके बाद कौन सा वाला लगा देंगे, तो बी इक्वल टू आई आर आ जाएगा. और बी की वैल्यू दे रखी है 12 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, ये हमारा क्या दे रखा है, स्विच दे रखा है, स्विच ओपन है हमारा ये, अगर ये होता है 0.5 वोल्ट तो फिर उससे ज्यादा स्विच लगा हुआ है जिसमें करंट फ्लो हो रही है हमारी. तो पहले क्या करेंगे, ये जो सर्किट दे रखे हैं, ये जो रेजिस्टेंस दे रखी है पहले निकालते हैं, ये हमारे इसी तरीके से निकालेंगे, यदि वो रेजिस्टर से रखे ये हमारे पैरेलल में रखे तो 1/R3 4/5 = 1/R3 + 1/R4 + 1/R5 इसकी राइट साइड में हमें जो रेजिस्टर्स है टोटल रेजिस्टेंस निकाला है R3 R4 और 5 इसका, तो R1/R3 की वैल्यू 30 है, R1/R2 20 और ये R5 की वैल्यू कितनी है 60 दे रखी है. एलसीएम लिया 60 हो गया, 32 हो गया 60, 20 60 60 वाले 60 2 + 3 + 5 6 हो गया, 6 × 60, तो R3 4/5 = 10 ओम आ जाएगा. अब यहां से RT निकाल सकते हैं, RT मतलब टोटल रेजिस्टेंस 20. अब ये क्या आ गया, आ गया ये आ गया 10 ओम आ गया और ये आ गया वाली कितने, सॉरी ये आ गया वाली 8 ओम पहले वाला और ये आ गया 10 ओम. अब दोनों का है सीरीज में, तो सीरीज में दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट. अब फाइंड आउट करेंगे करंट, तो बी इक्वल टू द आईआर, बी की वैल्यू रखिए 12 वोल्ट, साथ में आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आर टी की वैल्यू निकाल चुके हैं कितनी है 89 की वाली, आई की वैल्यू आएगी 12/18 2 6 = 60 = 18, 3 से 2 को डिवाइड करेंगे तो आई की वैल्यू आएगी हमारी 0.666666 से चली जाएगी, इसको रिमूव कर देंगे और यहां पर ऐड कर देंगे 0.6 Next question we explain in the next video lecture. Thank you and have a nice day.